कि अगर वो नहीं आ रही है तो उसे आप डिवोर्स ले लीजिए, चाहे अपना अलग शादी कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ क्या बेकार है ना ये जिंदगी, ये जिंदगी बेकार है। जिंदगी बेकार है, कैसे बेकार है? क्योंकि हम उसको दिल से चाह रहे थे शुरू से ही। कितनों उनके पहले प्यार किए थे? नहीं नहीं, शादी के बाद प्यार हो गया। शादी के बाद हुआ प्यार, इतना गहरा प्यार हो गया, बस एक खाली बस उसका रंग रूप कुछ नहीं देखे। नमस्कार दोस्तों, हमेशा आप महिलाओं को प्रताड़ित होते हुए देखे होंगे, उनका वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक पुरुष बैठे हुए हैं, जब से कंचन मैडम के ऑफिस आए हैं सिर्फ रोए जा रहे हैं और सच्चा प्यार बताए जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कुछ हुआ है आपके साथ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिओम कुमार हुआ। हरिओम कुमार कहाँ से आए? सिलवे से, प्रखंड हालसी, डिस्ट्रिक्ट लखीसराय से। जब से आए हैं देख रहे हैं आप रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मतलब रोने से कुछ होता है? हिम्मत से काम लेना होता है। हमारे पास परेशानी है तब तो रो रहे हैं। किस तरह की परेशानी है, क्या परेशानी है? परेशानी है कि 8/5/2017 की शादी हुई है, शुरू से ही बता दें। हाँ हाँ, 8/5/2017 को आपका शादी हुआ, मतलब कितने साल आपकी शादी का हुआ ये बताइए? 6 साल हो गया ना। 6 साल हो गया। आपके बच्चे भी हैं? जी, 5.5 साल का एक बच्चा भी है। सभी खुशहाल चल रहा था ये 5 साल में जो चल रहा था, 6 साल में आपका शादी का सब चीज़ ठीक चल रहा था? नहीं, शादी से पहले एक शादी समारोह में उनकी दादी मुलाकात हुआ, उनकी दादी से तो ऐसे ही बातचीत हुआ, तो बताया कि त्वारा लिया ना पैसवा न छोड़ दो, नहीं तो त्वारा लिया ना 10 गो अमर पति पछुआवा है, ये सोचना हम अपने वाइफ को दिए। वाइफ बोली कि छोड़ दीजिए, दादी पागल है, बूढ़ी है, कोई बात नहीं, उसकी बात पर नहीं रहिए, अगर नहीं कीजिएगा तो रिलेशन लगल है, सब कोई पूरे फैमिली जान रहा, हम जान दे देंगे। हम बोले कोई बात नहीं, नहीं देगा पैसा कोई बात नहीं, कर लेते हैं नहीं पूरा पैसा। तो शादी हो गया 17/8/5/2017 की। शादी होने के दरमियान हमारे घर आई, उसके बाद में फिर गई गई तो उसको हम ललंदा में पढ़ा रहे थे और गर्भवती भी रह गई थी उसके बाद में है जो। अच्छा ये बताइए, अभी क्या समस्या हुआ है? आप यहाँ कंचन मैडम के ऑफिस आए हुए हैं, क्या समस्या हुआ कि आप यहाँ आ गए? आप पढ़ा रहे थे, पैसा ले रहे थे, दे रहे थे, जेवर दे रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, ये चीज़ मेन बताइए। यहाँ आए सर कि जब पर पंचायत करवाएं तो नहीं माने, बोले कि पहले बउआ हुआ तो बोले कि नहीं तुहरे बउआ पला रहा है, पैसा वैसा दिए थे तो बोले कि पला रहा है, रह दो बाय बाप माए बाप का कर की हो बॉय, पैसा देते थे वो ले, लोग लेते थे भी। उसके बाद में हुआ कि नहीं जाते अभी तो कमाओ सुधरो, उसके बाद में पर पंचायत बैठाए फैमिली से, फिर पर पंचायत गाँव से मुखिया सरपंच से, किसी का बात नहीं माने, उनके गांव वाला लोग समझाते थे बोल तो अरे बेटिया है तो ही अपन बेटिया को बिदारी कर दो। अच्छा मैडम आप बताइए, ये जब से आ रहे हैं देख रहे रोते जा रहे हैं और बातों को पूरा शुरू से बताते हैं और उतना सुनने का टाइम न दर्शकों का है न किसी और को, ठीक ना, तो है आखिर इसका क्या मामला है कि यहाँ आए हैं और रोते जा रहे हैं? देखिए जब से आए हैं हमसे भी बात करें तो लगातार ही रोए जा रहे हैं। मामला यही है कि दिल से अपने पत्नी को प्यार करते हैं, जबकि रीति रिवाज से शादी हुई है, लव मैरिज नहीं। ऐसा बहुत कम आपको दिखने के लिए मिलेगा कि कोई पुरुष इतना अपनी पत्नी के लिए रोए। अभी तक तो ज़्यादातर देख रहे हैं कि सब अपनी पत्नी को छोड़ के इधर अफेयर में है, शादी कर ले रहा है कुछ भी, लेकिन अभी हमारे नज़र में तो ये पहला पुरुष है जो अपने पत्नी के लिए रोए जा रहा है लगातार। जबकि हम ये बात बोले भी हैं कि अगर वो नहीं आ रही है तो उसे आप डिवोर्स ले लीजिए, चाहे अपना अलग शादी कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। वो मर जाएंगे? हाँ, हम मर जाएंगे, अपनी पत्नी अगर वो नहीं आएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कोई रहना नहीं चाह रहे हैं तो इसके लिए ये मर जाएंगे, यही बात हम समझाने के लिए सच बोल रहे हैं, मतलब वो नहीं आएंगे तो मर जाएंगे, ये क्या कहाँ तक सही है? क्या बेकार है ना ये जिंदगी, ये जिंदगी बेकार है। जिंदगी बेकार है, कैसे बेकार है? क्योंकि हम उसको दिल से चाह रहे थे शुरू से ही। कितनों उनके पहले प्यार किए थे? नहीं नहीं, शादी के बाद प्यार हो गया, शादी के बाद हुआ प्यार, इतना गहरा प्यार हो गया, बस एक खाली बस उसका रंग रूप कुछ नहीं देखे, खाली बस उसका एक पढ़ाए, पापा पसंद था कि नहीं बहू मेरी पढ़ल है, कहीं ना कहीं एक सहारा होगा इस पक्ष से है जो शादी हुआ, और इसीलिए से हम दिल से चाह रहे थे कि एक दिन आएगी। इतना चाहते हैं आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, उसका फोटो देख करके व्हाट्सएप। आपकी पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है तो आपका प्यार का क्या मतलब बनता है?
से उसको वो नहीं चाह रही तो उसका फर्ज होता है। वो नहीं चाह रही है तो कहने का तुम्हारा मतलब है तुम अपने पत्नी के लिए जान देने के लिए आप तैयार हैं कि हम जान देने का, लेकिन जो आपको पैदा की है उसके बारे में आप सोचें? वो भी तो 9 महीने आपको कोख में रख के पैदा की है ना। अब जो है आपकी मम्मी पापा वो बूढ़ा हो गए हैं, उनका आप सहारा है, उनके लिए तो आप नहीं सोच रहे हैं। जो पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाह रही है उसके लिए आप रोने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं? देखिए सवाल वो नहीं है, मायने ये रखता है कि शादी तो हर कोई कर लेता है, 2 वो 4 वो मायने रखता है कि निभाता है, उसका फर्ज होता है। बात यहाँ निभाने का नहीं आ रहा है, पॉइंट यहाँ आ रहा है कि तुम बोल रहे हो भाई कि हम जान दे देंगे अगर मेरी पत्नी नहीं, किसी के दिल दिमाग पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। अग्नि का साथ फेरा हम कसम खाए हुए, सबको साथ एक, फेरा एक, लेता है। एक बेटा है 5.5 साल का, वो किसको पापा कहेगा, और फिर इसमें तो दिक्कत होता है। अच्छा बाह मेरा तो बड़ा मम्मी पापा का बात करें तो उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, घूर फिर के अपने बीबी के पीछे। मेरी मम्मी पापा का भी इरादा है कि यही बहू आवे, वो आना ही नहीं चाह रही। मेरा बेटा का खुशी में जब यही है कि वही आवे हर हर, तो बेटा का भी खुशी में हम लोग का भी खुशी है कि वही पापा मम्मी का यही खुशी है कि अगर पत्नी ना आवे, मेरी बहू ना आए तो मेरा बेटा दुनिया से उठ जाए, ये खुशी था माँ बाप का। मम्मी पापा को ये चीज पसंद आएगा आप जो बोल रहे हैं? नहीं ये चीज तो रोते हैं। तो क्यों किसी के लिए जान देना है? हम क्यों किसी के लिए जान देंगे? कलो के आपका बेटा बड़ा रहेगा, दुनिया में जिंदा रहिएगा तो ये तो कहेगा ना कि हाँ मेरा बाप धरती पे है, किसी औरत के लिए नहीं मारा। हम जहाँ तक कोशिश करेंगे आपकी पत्नी को लाने का मिलाने का, लेकिन ये भगवान नहीं उतर रहे हैं कि हम उसको एकदम ला ही दें। जहाँ तक होगा हम बहुत कोशिश करेंगे, किसी के दिल पे दिमाग पे जोर नहीं दिया जाता, जबरदस्ती नहीं किया जाता है। ये अगर शादी करना रहता ना तो बहुत इतना टॉर्चर हमको मिला ना सास ससुर सबको कि हम कब भी न कर ले रहते, मगर बताइए हम सब चीज़ छोड़ करके उसके पीछे नहीं। अच्छा, चलो एक दिन आए, एक दिन आए आप अपने बच्चे के लिए या फिर अपने बीवी के लिए। आज सुनिएगा सर, आज है जो पहले जीविका में कर रहे थे, आज है जो आरोहण बैंक में जब हुआ उसका प्राइवेट में, तो आज बोलती है कि नहीं मैं डिवोर्स दूंगा। अच्छा प्राइवेट जॉब करती है जी, कितना सैलरी है उनका? सुन हम नहीं जानते कितना सैलरी, नहीं जानते हैं, कहीं उसी का हवा लग गया क्या? अब लग गया तभी बोल रहा है कि मैं डिवोर्स दूंगा, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आज है जो बहुत सारी बात निकालता है मुझसे कि ऐसे मेरे ससुर ऐसे बोले, सास नहीं कुछ बोली, मेरे ससुर बोले हैं और ये गरम गाड़ी करते हैं। आपके तरफ से, आपके तरफ से किसी चीज़ की कमी कभी खली आपकी बीवी को? नहीं हम तो देखिए जब तक साथ में रहे जब तक कोई चीज़ का कमी भी नहीं। आप क्यों इतना मतलब खुद दिल पे, खुद को काहे दिल पे ले रहे हैं? दिल पे ले रहे हैं कि अगर हम चाह रहे तो आपके तरफ से कोई गलती नहीं है और आपकी बीवी गड्ढा में गिर, दिल से लेने की बात नहीं है, क्लियर एक मिनट। इनके दिल में ये लालच बैठ गया कि मेरी बीवी को हम पढ़ा लिखा रहे थे, नौकरी करेगी तो हमारा घर परिवार सब चलता, क्लियर बात ये है? पूछिए। नहीं ये कोई जरूरी है, इसकी सभी का नौकरी ही लग जाता है, जो भी पढ़ाता है नौकरी ही लग जाता है, ऐसा कोई जरूरी है? मगर ये बात है कि एक लड़का है अपना घर आवे अपना घर बसे, हम खुद कमा खिलाएंगे। वो अभी भी रीजन कमाते हैं जी? कितना कमाते हैं? 18 से 20 हज़ार हो जाता है। 18 से 20 हज़ार जी, फिर भी वो छोड़ के चली गई। आखिर क्या चीज़ कमी उनको महसूस हुआ कि छोड़ के? सुनिएगा सर, आज उसको लग रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और ये है जो बैठ के खाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। वो जॉब कर रही है उसके पैसे से मुझे कोई लालच नहीं, वो अपने फैमिली का। आपकी पत्नी से हम बात किए फ़ोन पे, आप हमको नंबर दिए ठीक, कॉल पे बात किए, वो बोल रही है क्योंकि हम एक तरफा कभी नहीं सुनते, दोनों तरफ का सुनते। अभी आपकी वाइफ से बात किए, आपकी वाइफ बोल रही है कि मैडम वो 6 साल से कहाँ गया था, अभी जो उसको मेरे प्रति आ गया है कि हमको पत्नी चाहिए ले जाना है, तो 6 साल से कहाँ गया? 6 साल से मतलब आपका कहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं? जैसे 6 साल से शायद ही ले जाने का कोशिश नहीं किए, क्या नहीं किए? वो बोल रही है कि 6 साल से वो मायके थी, 6 साल से मायके, 6 साल से, सुनिएगा सर, 6 साल से वो मायके थी। हमने कई बार 5 बार पंचायती बैठाए नहीं आई, उसके बाद में एक बार गच्छा भी छठा में तो भी नहीं दिया। नहीं पंचायती का कोई सबूत? सबूत मेरे पास है, एक बार मौखिक हुआ है, लिखित हुआ है उसका है, और दो बार। पहले आप बताइए 6 साल से वो लड़की मायके रह रही है जी, आज आप उनको लाना चाहते हैं? सुनिएगा जी बिल्कुल शुरू से ही ये संभव है? संभव है। कहाँ गए थे 6 साल से, आप जवाब दीजिए पहले। 6 साल पहले से ही हम पंचायती बैठा रहे थे, जब तक लगा कि महीना दिन काफी होता है, बीवी अगर घर गई ना तो उनको घर ला लेंगे, एक दिन काफी होता है। आप 6 साल से सोए हुए थे? 6 साल से सोए हुए नहीं थे, नहीं थाना नहीं किया, कोर्ट से फिर करना पड़ा। बताइए यही आपकी जवाब दे रही है पत्नी हमसे कि मैडम आखिर वो 6 साल पहले कहाँ गया था? आज आप रो रहे हैं कलप रहे हैं, ठीक है आप उससे उसके लिए जान देने की बात कर रहे हैं? मैम उसके लिए प्रूफ है मेरे पास, उसके जितना भी मुखिया सरपंच है सबका लिखित है मेरे पास। तो ये चीज देखिए
आप एक बात पहले सुन लीजिए, रोने से या दिखावा करने से कोई चीज़ नहीं होता, कुछ नहीं, हमको दोनों तरफ का सुनना पड़ता है। आपकी बातें सुन ली, आपकी पत्नी 6 साल का बात करे, अब उसको भी बुलाए हैं हम, सुनिए, आपकी पत्नी को बुलाए हैं, वो आ रही है संडे को, अगला संडे को, उसका पक्ष भी हम सुनेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम था कि वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही है। पंचायती पांच बार पंचायती बैठाए, नहीं माना, छठा में मौखिक रूप से लिखित हुआ तो बोला कि ठीक है बिदागरी कर देंगे, इतना दिन जब रहबे की है तो 4-5 दिन में क्या लगल है, सुबह चले जाएगी दिन बनेगा, तो सिर्फ पंचमी का दिन बन रहा था तो बोला कौन भेजा है, इसे पूरा मुद्वार ये पंडित जी ने बोला के भेजा मैडम, अभी का किसी से अफेयर है ये हम नहीं जानते हैं मैम, नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है कि 6 साल जो गैपिंग हुआ उसके लाइफ में कोई लड़का नहीं आया होगा? हम नहीं बता सकते। आप जैसे साधु जी बने हुए हैं, अभी का युग आप देख रहे हैं ना, पत्नी छोड़ के भाग रही है, पति छोड़ कर, 6 साल में नहीं आया होगा उसके लाइफ में कोई, अगर हो सके उसके कारण आपके साथ वो रहना नहीं चाह रही हो मैम, अगर होगा भी ना तो हम अपने वाइफ को, क्योंकि जब शुरू से ही लक्ष्मी मान चुके हैं कि औरत लक्ष्मी होता, तो हम उसके ऊपर गलत नज़र नहीं दे सकते हैं कि है या ना है, ठीक ना मैडम। अब इस केस में क्या होगा, देखिए गलती इनका भी दिख रहा है, ठीक ना, जब तक इनकी बीवी यहाँ पे नहीं आ जाती है, दोनों का बात आप नहीं सुनते हैं, तो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये सही बोल रहा है, क्या 6 साल कोई बीवी अपने मायके रह रही है और ये कहाँ सोया हुआ था। देखिए अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बिना दोनों पक्ष सुने हुए हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इनका सुन चुके, हमारे ऑफिस में आवेदन दिए हैं, बहुत दिन से हमारे नंबर ढूंढ रहे थे, ठीक है आज मिली, ये इनसे हम नंबर लेके इनकी वाइफ को कॉल किए, इनकी वाइफ बोल रही है कि मैडम अगर मान ले हम गलत है तो 6 साल लाइफ का, ये 6 साल से हमको क्यों नहीं किए ले गए, चाहे कुछ भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। तो हम बोले कि देखो अभी हम फ़ोन पे ज़्यादा डिटेल नहीं सुन सकते, तुम्हारा पति आवेदन दे चुका है, तुम जो भी जॉब करती हो तुम भी ऑफिस में आओ, और दोनों पक्ष आखिर क्या कारण है जो तुम अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हो, अपने बच्चे लेके खुद रह रही हो मायके में। तो वो हमको टाइम दिए कि मैडम हम संडे को आ रहे हैं, संडे को दोनों को बैठाया जाएगा और सुना जाएगा कि भाई दोनों में से किसका गलती है, और जो सही होगा हम उसके साथ हैं, साफ है। बाकी बात देखिए, इनका भी गलती यहाँ साफ दिख रहा है, अब दोनों आएंगे, काउंसलिंग होगा, क्या कुछ होता है वो आपको मैं अपडेट दूंगा। बाकी घरेलू हिंसा इस तरह के मामले सामने आते ही हैं, आप लोग देखते हैं कभी पत्नियाँ भाग जाती हैं तो कभी पति का भी गलती होता है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।